ऑफर कर रही थी शेयरिंग और बाबा बहुत प्यारी सी दृष्टि दे रहे थे। तो बाबा का जो प्रेम था हमारे लिए और हमारा प्रेम बाबा के लिए और वो जो स्नेह हम एक दूसरे से बांट रहे थे वो दृष्टि के द्वारा था। और जब बाबा ने भोग स्वीकार किया तो मैंने कहा बाबा आज हमने दादी के लिए भी भोग ऑफर किया है क्योंकि उनको अव्यक्त हुए 6 महीने हुए आज। तो बाबा ने आवाहन किया दादी का और बाबा ने कहा कि आपके लिए भोग आया है और बाबा ने दादी को अपने साथ बिठाया और उनको खिलाया भोग, भोग स्वीकार भी किया और खिलाया भी। और कुछ क्षणों के बाद तो फिर बाबा मुझे दृष्टि दे रहे थे और फिर बाबा ने कहा दादी को कहा कि देखो आप सब बच्चे कितना प्यार करते हैं। तो दादी ने कहा मैं भी उनको बहुत प्यार करती हूँ क्योंकि बहुत प्यार है इसलिए। और हम ब्राह्मण परिवार में तो है ही कितना प्यार, दादी के लिए तो बहुत स्नेह है सबको, पर और इसलिए भी क्योंकि दादी का हर एक के लिए बहुत बहुत प्यार है इसलिए। तो फिर बाबा ने कहा हाँ शरीर तो बहुत पुराना हो गया था और उनको ये संकल्प था कि वो सेवा करते रहे इस शरीर के द्वारा, इस कल्प के अंत तक वो सेवा करते रहे। तो बाबा ने कहा कि क्योंकि शरीर उनको मदद नहीं कर रहा था इसलिए उनको शरीर तो छोड़ना ही पड़ा अव्यक्त होने। और ब्रह्मा बाबा की तरह जैसे ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त हुए थे तब कई सेवाएं उसके बाद हुई
ही बाबा, ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त हुए तब उसके बिकॉज ही पास सेवाएं बिकेम द बहुत ज्यादा फोर्स हुई। तो जैसे कि वो एक गुप्त रूप इनविजिबल से शक्ति का इनकॉग्निटो काम कर फोर्स रहे थे, टू हैव विस्तार के लिए एक्सपेंशन बहुत मेनी सारी मेनी चीजें थिंग्स उसके पास स्टार्ट होने हैपनिंग लगी, बहुत सेवाएं। एंड दैट तो वाज कैसे कमिंग हुई? फ्रॉम वो अव्यक्त ब्रह्मा बाबा जब ब्रह्मा अव्यक्त हुए तब सो हुई। बाबा सेड तो सेम ऐसे ही हैपेंस विद दादी के अव्यक्त होने के गार्डियंस बाद भी दोज हु हैव कईयों ने अपना सरेंडर्ड देयर जीवन लाइफ समर्पण टू कर बाबा दिया। बट और व्हेन दे बिकम अव्यक्त क्योंकि लॉट पहले गेट क्या था कि अकॉम्प्लिश्ड पहले वो उस तरह से सेवा नहीं कर सो सकते थे सेम इज जब विद दैट व्यक्त रूप इवेंट में टू थे, बाबा सेड पर अव्यक्त होके दैट ज्यादा सेवा कर सके। यू तो माइट से दैट ऑफ कोर्स दैडी इज जैसे मेकिंग थिंग्स हमको भी हैपन लगता है ना, दैडी इज दादी मेकिंग अभी हमारे इंस्ट्रूमेंट द्वारा काम करा रही बट है। तो बाबा बाबा सेड ने इज यस कहा दैडी बट कि नाउ हाँ यू विल दादी से करा रही अव्यक्त है, पर दैडी अभी आप कहो अव्यक्त नॉट दादी, दैडी क्योंकि वो बिकॉज शरीर शी में इज तो नॉट नहीं इन है। बॉडी तो सो यू विल से हमारी अवेक्ट अव्यक्त दैडी दादी जानकी ग्रैंडकी ये सब करवा मेकिंग रही दिस है। हैपन तो बाबा सो हमको लाइक जैसे बाबा वॉज याद करा रहे रिमाइंडिंग थे अस कि दैट वो अभी शी इज अव्यक्त नाउ स्थिति इन में हर है, अवेक्ट और स्टेज क्योंकि एंड बिकॉज वो ऑफ दैट अव्यक्त हो गए हैं सो इसलिए मेनी इतनी थिंग्स आर सेवाएं बढ़ भी हैपनिंग रही हैं। एंड और आई मैं वॉज बाबा जस्ट से ये भी शेयरिंग कह विद रही थी बाबा कि दैट बाबा कि जो भी आज व्हाटएवर हो इज रहा हैपनिंग है टुडे हमारी इस इन दुनिया आवर में, फिजिकल स्थूल वर्ल्ड दुनिया में, एंड और इट्स ये गुड दैट अच्छा है दैडी कि दादी ग्रैंडपी तब बिकेम सही अवेक्ट समय एट पर द राइट अव्यक्त टाइम हो गई सो शी ताकि कैन वो पूरे सर्व बेहद की सेवा अनलिमिटेड कर वे सके। तो सो बाबा बाबा ने कहा सेड हाँ, एवरी हर एक सोल आत्मा, यू नो एंड विशेष स्पेशली द मेन आत्माएं हैं। सोल्स तो क्या होता देन है जब वो शरीर वॉट छोड़ एवर देते हैपन्स टू हैं? देम वेन वो दे लीव बहुत बॉडी और वॉट एवर इज जरूर ऑलवेज वेरी बहुत मच ज्यादा जुड़ा हुआ कनेक्टेड विथ होता है वर्ल्ड दुनिया की सिचुएशंस स्थिति से, विश्व में जो हो सो रहा आई है सेड बाबा इज इट द और उसकी सिचुएशन परिस्थिति। तो हैपेंस दैट दे बाहर प्ले दुनिया द में तो पार्ट और इज परिस्थिति इट है देयर ही, पार्ट उससे मेक्स उनकी स्थिति भी बनती सिचुएशन है। हैपन तो बाबा मेरी सो तरफ बाबा देख वॉज रहे लुकिंग थे एट मी और एंड बाबा बाबा ने कहा सेड ये इट दोनों वर्क्स साथ साथ टुगेदर होता है, परिस्थितियां तो सिचुएशंस आनी हैव टू है, हैपन लेकिन सो जो विशेष देयर आत्माएं पार्ट हैं इट उनका फिट्स मी पार्ट, दे हैव उनका टू स्टिल श्रेष्ठ प्ले पार्ट एलिवेटेड बंधा हुआ पार्ट है, वो होना सो ही दैट है, शी सही बिकेम समय पर अवेक्ट सही एट द पार्ट हो राइट टाइम जाएंगे। तो सो बाबा ने बाबा कहा ये वॉज चीजें लाइक बहुत आपस हाउ में संबंध है कनेक्टेड इनका, इज वर्तमान समय प्रेजेंट और हमारा सिचुएशंस पार्ट, एंड ऑल्सो हम में अवर से हर एक का पार्ट पार्ट, हर एक ईच वंस ब्राह्मण का पार्ट पार्ट। तो सो हम वेदर वी कैसे हम बिकम अवेक्ट अव्यक्त, और वी आर कैसे हुई दादी, और प्रोग्रेसिंग फिर एंड थिंग्स कैसे आर आगे हैपनिंग इन द बढ़ रहे वर्ल्ड हैं हम सब सो बाबा सेड पुरुषार्थ दैट टू में। बी तो ये ऑलवेज सब जैसे हैपन सब में कोई ना कोई संबंध है। और तो सो बाबा ने बाबा कहा सेड सम इनमें ऑफ से दीज कुछ थिंग्स चीजें हैव जैसे कुछ काइंड ऑफ गहरा राज है इनमें, सीक्रेट सो दे आर नॉट पर वेरी बाबा ने कहा कि ऑब्वियस बट बाबा ऐसे इज होता एक्सप्लेनिंग है दैट दिस इज कि ऑल जब किसी का जनरल पार्ट बदलता द है, पार्ट दुनिया की चेंजेस वर्ल्ड परिस्थिति सिचुएशन बदलती चेंजेस है, बदलनी वर्ल्ड ही है, सिचुएशंस हैव तो टू जब जैसे चेंज दुनिया की सो परिस्थिति पार्ट बदलनी ऑल्सो है हैज तो टू पार्ट भी चेंज बदलता है। सो बाबा तो सेड इट बाबा कैन ने हैपन कहा ये हर एक हैपेंस बाबा टू के बच्चे एवरी के साथ मॉडर्न चाइल्ड होता है कि स्थूल जो दुनिया द में फिजिकल हो रहा है सिचुएशंस वो आर कनेक्टेड ऑल्सो विद जो द पार्ट पार्ट सबका वन हैज सबने टू बजाना प्ले है वो बजाना ही है। And then फिर Baba बाबा looked ने at मेरी Dadi तरफ and he had देखा said, और फिर दादी को दृष्टि दी, Dadi दादी ने start भी keep दृष्टि giving दी मुझे। दृष्टि and पर दादी Dadi का जैसे always हमेशा had एक this स्लोगन slogan. था ना, She's saying, दादी का स्लोगन Dadi था has कि always this slogan बच्चे that जो children, भी आपको करना है whatever वो you have to अभी करो, do it now. अभी Do not think, oh, I ऐसे will do मत after सोचो 1 month, ओ I will हम do एक after महीने 1 year, बाद कर लेंगे, or I will हम do बाद में later. कर लेंगे, बाद No, में I हो said do जाएगा। it. नहीं अभी करो जो So I करना है। was looking at तो मैं Dadi दादी and की then I तरफ देख remembered रही that थी और मुझे याद आया ये Dadi कि always gave दादी us हमेशा blessings and हमें which ये she is वरदान doing even देती थी now. और अभी भी वो कर रही है वो। So many times she will call तो me कई and बार say, दादी मुझे बुलाती थी, मोहिनी You have दीदी to कह do रहे हैं this. I कि look at her मुझे because बुला I के don't कहते know, थे I haven't कि done it. ये करो, And तो she मैं will कहती just थी say, मैंने You तो ये can कभी do नहीं it. किया। तो दादी And मुझे the way कहती she थी will आप कर say, सकते I हो, will say, आप okay. ये कर सकते She's हो। saying I तो can मैं do it, हमेशा so let सोचती me थी कि do जिस it. तरह से वो कह So it रही was है like मुझे the लगता था blessing कि she चलो will मैं give कर to all सकती of हूँ। us तो that ये we हम can सबके do लिए it. भी एक वरदान है ना So I कि हम was ऐसे समझे since कि morning हम ये thinking कर of सकते हैं। the तो Hindi word she सुबह said, से तुम मैं कर सोच सकते रही हो. थी, जो दादी मुझे हिंदी में बोलती थी, So तुम कर सकती हो ये I'm not काम, तुम sure कर because I सकती हो। haven't done, I मुझे don't know. विश्वास नहीं था क्योंकि But मैं when सोचती she थी will पता नहीं say मैं it, I कर will पाऊंगी कि trust नहीं, her and लेकिन जब say, मैंने देखा दादी Dadi, मुझ if पे you're इतना saying it, विश्वास I will do करती it. है, And of उनको course इतना it gets निश्चय done. है, तो मैं कर And सकती हूँ। second और हो important जाता thing था, is वो काम that हो जाता था। Dadi और never दूसरी liked बात us जो to दादी को go into पसंद the नहीं थी next कि situation हम like so ऐसे serious, so किसी भी big and परिस्थिति को गंभीर बना दें, immediately Dadi will बड़ा बना say, दें किसी स्थिति को। It's going to be all दादी right. कहती It's going to be okay. सब ठीक
होना ही है। और सोचो अगर दादी कह रही है कि सब ठीक हो जाएगा तो हमारा दिल कैसे होगा ना, हमारे दिल में भी उत्साह आ जाता था। तो ये सिर्फ दादी की बात नहीं, बाबा कह रहे थे कि ये वो समय है कि जब आप एक दूसरे के साथ वरदानों का लेन देन करो, सबको वरदान दो, दुआएं दो, तो वो सब सदा सबको, जैसे दूसरों को दुआ देना मना, उससे दूसरी आत्मा को शक्ति मिलती है, साहस मिलता है, उसको उत्साह मिलता है। तो सबके लिए शुभ भावना रखना, दुआएं देना सब। और बाबा ने ये भी कहा कि इस समय जब आप साहस रखते हो तो आपको हर कदम पे, जो भी कदम आप साहस का उठाओगे, हिम्मत का कदम होगा, तो आपको मदद मिलेगी। तो मदद ऐसे नहीं कि चलो आप एक कदम उठाओ और बाबा आ जाएगा इतने कदम लेकर, नहीं। माना जो आप कर्म कर सफलता से होगा। तो आप जब हिम्मत से करते हो तो मदद तो मिलनी है, कार्य पूरा होना ही है। और आप लोग ये अनुभव भी करते होंगे ना, आप कोई भी काम करो, कोई काम शुरू करो, उसको सफलता मिलेगी। तो दादी भी ये कह रही थी और सभी सभी आत्माएं जो भी एडवांस पार्टी में है, सभी सभी जैसे सेवाओं में अभी लगे हुए हैं, बाबा का कार्य पूरा होने में लगे हुए हैं। तो बाबा ने कहा देखो वो ये सब कर रहे हैं और आप में से भी हर कोई ये कर रहा है अपने अपने तरीके से। आप लोग पुरुषार्थ कर रहे हैं, हिम्मत रख रहे हैं, अपने आप को याद कराएं वरदानों के बारे में, दुआओं के बारे में कि बाबा का काम है तो होना ही है। तो अगर आपके पास ये शक्ति होगी, हिम्मत होगी, तो अपने लिए भी आपके लिए भी है, हमेशा सदा हर क्षण में। हाँ जी कहो, हाँ जी। और आपको पता है कि बाबा कराएगा, आपके द्वारा कराएगा, बाबा कराएगा। तो बाबा ने कहा अभी समय है, हर काम को कहो हाँ जी, हाँ जी बाबा के लिए, हाँ जी अपनी पूर्वज आत्माओं के लिए भी। तो बाबा ने कहा कि आप एक अच्छे निमित्त बनो बाबा का कार्य पूरा कराने के लिए। और फिर बाबा और दादी, अव्यक्त दादी मुझे बहुत प्यार से दृष्टि दे रही थी और हम सबको दे रहे थे, बहुत प्यार दे रही थी, याद और प्यार दोनों से, बाबा से भी और अव्यक्त दादी जानकी से भी। अच्छा हो गया, मैं बस ये आप लोगों को बताना चाहती थी कि दृढ़ता जो होती है इस समय पे, दृढ़ता रखना बाबा की मुरली सुनने के बाद। जैसे मैं बात कर रही थी कुछ और देशों में बात हो रही थी हमारी, कि हम सबको आज सुबह की मुरली से 3 पॉइंट बहुत अच्छे से लेने चाहिए। बहुत सुंदर मुरली थी आज, बहुत स्पष्ट मुरली थी। तो 3 पॉइंट जरूर लेना है। तो हम सब चाहते हैं और मैं भी ऐसे चाहती हूँ कि मेरा प्यार बाबा के साथ सदा का हो, निरंतर हो, और आप सब समझते होंगे ना कि हम सबका है बाबा से प्यार, किसका कम प्यार है, सबका बाबा से स्नेह तो है ना, पर वो निरंतर स्नेह रहे जिसमें कि हम समाए रहे बाबा की याद में। तो ये एक दृढ़ता होनी चाहिए इसमें। तो अगर आपको बाबा से स्नेह है तो व्यर्थ संकल्प नहीं होंगे। तो आपको आज से क्या करना है, तो ये मैं बहुत कर रही हूँ और बहुत अच्छा है। और जैसे ही आपको कोई व्यर्थ संकल्प आए, कोई भी व्यर्थ संकल्प अपने लिए, परिस्थिति से, दूसरे से, तो कोई भी व्यर्थ संकल्प आए, बाबा को याद करो और फिर आप जादू देखोगे। बाबा को याद करो, तो जैसे ही आप अपने व्यर्थ संकल्पों को बाबा की याद में परिवर्तन कर दो, तो आप हाथ उठा के बताओ कौन कौन करना चाहता है ये। अपने व्यर्थ संकल्प आए तो बाबा की याद में परिवर्तन कर दो।
तो जैसे ही आप ये करोगे आपको जादू जैसा लगेगा। हमें बाबा के लिए प्यार तो है ही ना, पर कुछ ना कुछ विघ्न आ जाते हैं। और एक विघ्न क्या है? व्यर्थ संकल्प विघ्न है। अपने संस्कारों से आ सकते हैं, अपने पुराने किसी न किसी परिस्थिति से आ सकते हैं, तो कोई ना कोई संस्कार विघ्न बन जाता है। संस्कार So I have to notice, but पर all that is law. ये बहुत काम है ना, अगर हम विघ्नों को पार करने लगे। जैसे ही व्यर्थ संकल्प आए बस बाबा को याद करो। तो ये ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थ भी यही था ना कि एक सेकंड में वो कहते थे ड्रामा ड्रामा, तो ड्रामा कहाँ, तो व्यर्थ संकल्प नहीं आएंगे, क्योंकि हम याद की यात्रा में है ना। तो जब हम याद की यात्रा में हो तो हमारे अंदर कोई परिवर्तन दिखाई देना चाहिए, ना कि सिर्फ अपने में, दूसरों में भी। जैसे कि पहले मानो कि हम किसी को किसी को बुलाए और कोई कहे कि नहीं हम हम नहीं आ सकते, तो पहले तो मैं ऐसे कहती थी क्यों नहीं आ सकते, पर अभी मैं सोचती हूँ अरे बस बाबा को याद करो, कोई व्यर्थ संकल्प नहीं। तो आज सुबह से मैं महामंत्र यूज कर रही हूँ, बहुत उपयोग में ला रही हूँ कि मैं बाबा को बहुत बहुत याद कर रही हूँ, कि वैसे तो याद करते ही हैं, लेकिन अभी बाबा के लिए मेरा स्नेह ये है कि मेरा कोई व्यर्थ संकल्प ना हो। तो पहली बात तो ये, और दूसरी बात बाबा की याद में कोई मेहनत नहीं है। तो जब हम निरंतर याद करेंगे तो मेहनत नहीं होगी। When there is constant in love, there is no battling. And the third और तीसरा जो मुझे संकल्प आ रहा था कि जिनका बाबा से सदा स्नेह, सदा का स्नेह है, तो वो कमल पुष्प के समान होंगे। तो बाबा के लिए प्यारे और न्यारे, बहुत न्यारे और बहुत प्यारे। क्योंकि अगर हम प्यारे नहीं हैं, तो प्यारे नहीं हो सकते। तो नहीं तो फिर हमारा निरंतर नहीं हो पाएगा ना, नहीं तो हमारा शरीर के साथ, प्रकृति के साथ, या अपने संस्कारों के साथ, स्वभाव संस्कार के साथ, किसी न किसी तरह विघ्न आते रहेंगे। तो अगर मुझे कमल पुष्प की तरह बनता है, तो मैं अपने लिए ये होमवर्क की तरह ले रही हूँ कि दादी तो आज की मुरली तो बहुत सुंदर थी, बहुत सारे पॉइंट थे, लेकिन मेरे को दो तीन ये पॉइंट तो बहुत ही अच्छे लगे कि ये तो बहुत शक्तिशाली है हम सब के लिए, अपने लिए होमवर्क करने के लिए। तो एक और पॉइंट जो मैं आपसे बांटना चाहती हूँ कि दादी हमेशा कहती थी आप सबको एवर रेडी रहना है। किसके लिए एवर रेडी? As a student, you have to be ever ready for your test. की तरह हमेशा जैसे कोई टेस्ट आ जाए उसके लिए ever ready. Because there is a time for examination. तो क्योंकि पेपर तो आएंगे ना? But here Maya doesn't give. तो माया तो हमको टाइम नहीं देगी। तो किसी भी समय एग्जाम आएगा, उसके लिए तैयार रहना है, पेपर आएगा। तो पहली बात क्या करनी है कि हमें पास होना है, और वो भी पास विद ऑनर। जो हो गया हो गया, जो पुरानी बात है उसको भूल जाओ, उसको पकड़ के मत रखो। जब जब पास्ट पास्ट हो जाएगा, पुराना पास्ट पुरानी हो जाएगी, तो ये है जो दादी हमेशा हमको सिखाती थी। तो कोई भी सेवा हमारे पास कभी भी आए, एवर रेडी रहो। ऐसे नहीं क्यों मुझे पता नहीं था, ऐसे नहीं नहीं मैं भी ऐसे कहा करती थी मनमोहिनी दीदी को कि नहीं, पर दीदी बोलते थे अरे आप तो नदियां हो ना, आप लोग को तो बहते रहना है, ऐसे रुके थोड़ा रहना है, तो लोग आएंगे, आप ये तो नहीं कहोगे ना कि ये अभी क्यों आए, अपॉइंटमेंट लेके क्यों नहीं आए। तो दीदी कहती थी अगर आप एक तालाब हो तो एक जगह रुके रहोगे, बट आप तो नदियाँ हो, नदियाँ तो बहती रहती हैं। तो तीसरी बात जो वो कहती थी एवर रेडी के लिए कि अगर मुझे आज घर वापस जाना हो, आज घर जाना हो नया पार्ट बजाने के लिए, तो माना तैयार रहना उसके लिए। तैयारी माना हाँ मैं संपन्न हूँ,
मैं तैयार And I हूँ remind और मैं myself of Thursday when जब Baba बाबा said in कहते हैं ना message कि हाँ that जब when आप you मेरे stay close साथ to me, रहोगे तो उसमें संतुष्टता there है is और आप उस contentment संपन्न भी बन and you become जाओगे। complete also. So ever ready तो in all तैयार रहना different माना, aspects, एवर रेडी whether रहना it is for हर तरीके service or से, it is सेवा के convenient. लिए, घर वापस जाने के But there लिए। are more details of उसका being और ever भी ready, which विस्तार I will है, take one किसी day. दिन हम करेंगे। What is क्या है exactly to be इसका ever अर्थ ready? कि एवर रेडी रहें, हम सदा तैयार रहें। One is एक that तो ये है whatever I कि am जो भी doing, I मैं am कर रही हूँ responsible for. उसकी जिम्मेवार मैं Do हूँ, I have a उसकी heir जिम्मेवार son मैं हूँ। who can do everything if I am not there? कौन है वारिस बच्चे, है ना, कौन करेगा अगर मैं नहीं करूंगी तो? So, or a team, there should be such a आपका कोई ऐसा way तरीका होना चाहिए जिससे that कि आप yes, I am तैयार हो ever कि ready हाँ मैं in बिल्कुल all तैयार different हूँ, ways. हर तरह से तैयार हूँ, So एवर what are रेडी the हूँ details which I जाने will के लिए। तो take उसके care बहुत that विस्तार भी है any कैसे way एवर रेडी way बनना है, किसी lots दिन of हम love करेंगे। from ठीक Baba है, अच्छा, from अभी Daddy बाबा and से आप also सबको congratulations बहुत to बहुत Avyakti प्यार और Parivar team अव्यक्ति परिवार की टीम को मुबारक that हो giving us this कि उन्होंने ये experience हमें every अनुभव moment करने का मौका being दिया। together 6 महीने से कर रहे हैं as a रोज family. I think परिवार that's की what we तरह, will do in golden ये age हम right. सतयुग में Every event, भी different करेंगे ना कि places, हम अलग अलग we जगह go, हर have शाम some, को कुछ न कुछ मिलेंगे, कुछ न कुछ always there will be करेंगे, something सदा every कुछ न evening. कुछ I होता don't think रहेगा। we'll be just sitting at तो ऐसे नहीं कि in हम our सिर्फ अपने महलों palaces. में बैठे रहेंगे, नहीं, So maybe हम that कुछ is न कुछ तो happening करते in us रहेंगे ना। every तो वो evening. अभी हो रहा है। You all write us very beautiful तो आप सब लोग experiences इतने that सुंदर how सुंदर you अनुभव till भी now you are लिखते already हैं going हमें। for show, you're going for तो family ये get-together. जैसे कि Everyone कोई has कुछ different कहता है, कोई कुछ feelings, so I कहता है कि think this जैसे हम current परिवार से something, मिलने वाले हैं, this एक will नया शो continue देखने in वाले golden हैं, age तो ये also. सतयुग में भी होता Right, रहेगा हमारा। so today Baba अच्छा, also और talked बाबा about आज gathering, like संगठन की don't भी बात कर avoid रहे थे gatherings. कि संगठन में रहना We है have to be तो together, love हमको तो for the family. So टीम thank you, का भी the बहुत team बहुत and also शुक्रिया, those who और have आप been सबका भी attending. जो रोज अटेंड I think करते हैं। we look हमने at the कितना बड़ा record. रिकॉर्ड I बनाया think ना that कि आप 99% लोगों of में से you or 98% of you 98% जैसे हर have been with रोज us ज्वाइन करते हैं, every हर evening, रोज हम every लोग morning. जुड़ते हैं आपस में। तो So, मुबारक so हो, सभी को congratulations मुबारक हो, for 6 महीने making it तक for 6 months every सफलतापूर्वक ये evening. का जो चला। And also, thank you, बाबा को Baba. शुक्रिया And all of और you आप and the सबको team also and शुक्रिया और translators especially, टीम को शुक्रिया, they are doing it ट्रांसलेटर्स को well. We keep शुक्रिया, asking them, और हम करते "Can रहते you हैं, हम try?" पूछते रहते हैं, No, no, we आप enjoying थक it. तो We are नहीं very गए? तो सब happy. कहते नहीं, हम बहुत So it खुश seems हैं, हमें everyone बहुत is अच्छा very लग रहा है। happy तो ऐसे and लगता है कि सब some लोग children, बहुत some खुश हैं। colleges have started. और So we are trying to have some more so they get less तो हम to अभी और औरों do. को जोड़ने की कोशिश कर But रहे it हैं, seems everyone is doing पर well. ऐसे लग रहा है कि सब So बहुत अच्छा thank कर you, रहे हैं। Baba and Rama शुक्रिया, बाबा and का भी everyone शुक्रिया, also. ड्रामा का भी शुक्रिया। अच्छा।